एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कुमार से खफा दिख रहे हैं। जी हां, लगातार जेडीयू के खिलाफ एलजेपी जो है वो बोल रही है, और बोल कौन रहा है? एलजेपी के सबसे बड़े लीडर। हालांकि इस पर पत्रकारों ने कई बार सवाल भी किया तो, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि ये सब कुछ ठीक है, हमारे और नीतीश कुमार के बीच ठीक है। लेकिन चिराग पासवान के बयान से ये कहीं भी नहीं लगता है कि वो नीतीश से नाराज नहीं है। एक बार फिर चिराग पासवान ने बिहार में कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि जमुई में कोरोना का जो टेस्ट है वो सिर्फ नाम मात्र हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बिहार में टेस्टिंग कम होने की बात कही थी तो फिर सरकार की नींद अभी तक क्यों नहीं खुली है। चिराग पासवान और क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको जरूर सुनना चाहिए। अभी हम स्वास्थ्य सचिव से भी हम बात किए हैं जमुई के लिए। बहरहाल ये पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। कुछ दिन पहले हम डीएम साहब से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम बात भी किए थे और उनसे जानकारी लिए थे कि टेस्टिंग यहाँ पर कितनी हो रही है और कैसे हो रही है। ये आप लोगों की भी मैं जानकारी में देना चाह रहा हूँ कि 11 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का ट्वीट किया कि बिहार में टेस्टिंग कम हो रही है, जबकि उस दिन बिहार में 75,000 टेस्टिंग हो रही थी, उसके पीछे का कारण ये था कि 75,000 में से 65,000 टेस्टिंग जो है वो आपकी रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रही है। इसमें दो तीन तरीके के इसमें प्रोसेस होते हैं। रैपिड एंटीजन होता है जिसमें कि तुरंत आपको जांच आपको पता चल जाती है, पर आईसीएमआर की गाइडलाइन है, आईसीएमआर स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी टेस्टिंग अगर आप एंटीजन के थ्रू कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन के थ्रू, वो आपको सिर्फ कंटेनमेंट जोन में करनी है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि किसी में कम लक्षण है तो उसको पकड़ ले। जो पॉजिटिव संभवता वो तो ठीक है, पर अगर किसी को नेगेटिव आया, कितनी बार हम लोग देखते हैं कि किसी का नेगेटिव आया पर उसके बाद भी लक्षण उसमें बरकरार रहते हैं, उसके बाद भी वो बोलता है कि हमको अभी भी छाती में हमको तकलीफ हो रही है, सांस लेने में हमको दिक्कत हो रही है, उसके लिए अनिवार्य है कि आप आरटीपीसीआर के थ्रू आप उसका टेस्ट करवाएं। आरटीपीसीआर आज की तारीख में पूरे बिहार प्रदेश में मात्र 6100 हो रहे हैं, और जबकि लगभग 90% जो टेस्ट हो रहे हैं वो रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रहे हैं। हम लोगों की शिकायत इस बात की है कि जो रैपिड एंटीजन के थ्रू जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो सटीक नहीं है। संभवतः कई ऐसे संक्रमित होंगे जिनका उसमें नेगेटिव आ गया होगा, पर अगर आप तुरंत आप आरटीपीसीआर कराएंगे, एक दो पत्रकार हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया उनका नेगेटिव आया, पर जैसे ही तुरंत उन्होंने आरटीपीसीआर कराया उनका पॉजिटिव आया। तो सही जांच होनी जरूरी है, इसके लिए हम लोग को आरटीपीसीआर की जांच हम लोग को बढ़ाने की जरूरत है। इसी क्रम में आज अधिकारियों को मैंने बुलवाया था, उनकी समस्या को जानने का मैंने प्रयास किया कि भाई क्या आर्थिक समस्या आ रही है। हमको नहीं लगता आर्थिक समस्या होनी चाहिए आज की तारीख में, जब इस संक्रमण के बावजूद, बिहार में बाढ़ के बावजूद हमारे प्रदेश अगर चुनाव कराने के लिए तैयार है, चुनाव के लिए अगर हमारे पास साधन संसाधन है, तो मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए हम लोग के पास संसाधनों की कोई कमी होगी। तो यही मैंने अधिकारियों से मैंने जानकारी ली कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पास किट्स की कमी है। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।